इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूं आपके साथ चारु कौशिक। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल, वायु गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब। हिंडौन सिटी में चिटफंड कंपनी के मालिक और शेयर होल्डर को किया गिरफ्तार, आरोपियों ने चिटफंड कंपनी द्वारा 7 करोड़ की थी ठगी। डूंगरपुर में पिकअप और बाइक सवार में हुई भिड़ंत, बाइक सवार की मौके पर हुई मृत्यु। और लूनी में सीमा सुरक्षा बल के जवानों और पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, विधानसभा चुनाव को लेकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता का स्तर नीचे गिर गया है, जो काफी खराब माना जाता है। कई जगहों पर वायु गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब हो गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दिल्ली के हल्की हवा पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के कुप्रभाव से लोगों को बचाए हुए है। हालांकि पंजाब और हरियाणा में किसान धान की पराली को जला रहे हैं और वहां से आने वाली हवाएं 2-3 दिनों में दिल्ली पहुंच जाएगी, जिससे यहां प्रदूषण का स्तर और भी बढ़ जाएगा। कराड़ा गढ़ा वासन मार्ग पर तेज रफ्तार पिकअप और बाइक की आमने सामने भिड़ंत होने से घटनास्थल पर ही बाइक चालक सामलिया निवासी संजय पाटीदार की मौके पर ही मृत्यु होने पर पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना राहगीरों ने मृतक के परिजनों को देकर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। इस अवसर पर सरोदा पुलिस चौकी प्रभारी SI नाथूलाल यादव और कांस्टेबल धूलधी सरपंच कराड़ा राजेंद्र परमार आदि लोग मौजूद रहे। लाठी कस्बे में स्थित वार्ड 7 की शंकर कॉलोनी निवासी 30 साल से विभिन्न समस्याओं का दंश झेल रहा है। कॉलोनी में ना तो पक्की सड़कें और ना ही पानी निकासी के लिए नालियां, कच्ची गलियां, सफाई व्यवस्था का अभाव, स्ट्रीट लाइट का ना होना, सार्वजनिक सभा भवन ना होना समेत आदि समस्याओं ने कॉलोनी वासियों का जीना दुर्लभ कर दिया है। कॉलोनी में अंधेरा होने से चोरियों की घटनाएं बढ़ने की आशंका रहती है। कॉलोनी वासी आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। कॉलोनी वासी प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही कई प्रकार की योजनाओं से वंचित हैं। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए कई बार ग्राम पंचायत को शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सादड़ी संयुक्त राष्ट्र विश्व शांति और मानव कल्याण का कार्य कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र आज भी प्रासंगिक है। उक्त उद्गार प्रधानाचार्य वीर सिंह माली ने स्थानीय श्री धनराज बदामिया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सादड़ी में संयुक्त राष्ट्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। माली ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महावीर प्रसाद ने संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, संगठन और अभिकरणों पर प्रकाश डाला और इस अवसर पर बालिकाओं के लिए भाषण, निबंध, चार्ट निर्माण प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को प्रधानाचार्य वीर सिंह माली ने पारितोषिक देकर सम्मानित किया। विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को सीमा सुरक्षा बल और पुलिस के जवानों ने झवर में रूट मार्च निकाला, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अपराधियों में भय, आमजन में सुरक्षा के विश्वास को लेकर ये रूट मार्च विभिन्न मार्ग से निकाला गया। चीन ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किया। सूत्रों के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर 27 सितंबर को जम्मू कश्मीर में चीन से लगे लद्दाख के ट्रेक हाइट इलाके में घुस गए। करीब 10 मिनट तक भारतीय हवाई क्षेत्र में रहने के बाद वापस लौट गए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने इसकी रिपोर्ट तैयार की है। ट्रेक हाइट भारत के लिए रणनीतिक और अहम है। इस इलाके में दौलत बैग ओल्डी एयरफील्ड भी है। चीन यहां घुसपैठ की कोशिश करता रहता है। चीनी सैनिकों ने करीब 20 दिन पहले भी अरुणाचल की दिबांग घाटी में पहुंचकर टेंट लगा दिए थे। ग्रामीणों ने यह खबर भारतीय सैनिकों को दी थी। आपत्ति के बाद चीनी सैनिक लौट गए थे। हालांकि चीन ने घुसपैठ से इनकार करते हुए कहा था कि हमारे सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर नियमित पेट्रोलिंग करते हैं। पार्टियां बात भले ही विकास की करें, लेकिन यूपी में चुनाव आते ही जाति की राजनीति शुरू हो जाती है। कुछ सर्वे करने वाली एजेंसी और विशेषज्ञों का दावा है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ तो जातीय समीकरण बीजेपी का नुकसान और बढ़ा देंगे।
विपक्षी एकजुटता के कारण इसी साल लोकसभा उपचुनावों में बीजेपी ने 3 बड़ी सीटें गंवाई है। इसी को ध्यान रखकर फिर गठबंधन के जरिए दलित, मुस्लिम और पिछड़ी जातियों को मिलाने की कोशिश होगी। ऐसे में भाजपा गठबंधन 73 से घटकर 25 से 30 सीटों के बीच सिमट सकता है। वही महागठबंधन को 50 से 55 सीटें मिल सकती है। लिहाजा भाजपा का पूरा जोर इस बात पे है कि गठबंधन हो ही ना सके। कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चिटफंड कंपनी मालवांचल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड की डायरेक्टर और शेयर होल्डर को करोड़ों रुपए की ठगी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। जिस पर पुलिस आरोपियों की सघनता से पूछताछ कर रही है। थाना अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि हिंडौन निवासी गजेंद्र त्यागी और राम भरोसे गुर्जर ने आरोपियों पर मामला दर्ज कराया था। कंपनी के द्वारा बैंकिंग व्यवसाय हेतु हिंडौन सिटी में कुछ कार्मिकों और एजेंटों की आवश्यकता हेतु विज्ञापन जारी किया गया। परिवादी विज्ञापन देखकर आरोपियों के झांसे में आ गए। इसी प्रकार कंपनी के सैकड़ों निवेशकों द्वारा करोड़ रुपए जमा कराए, मैच्योरिटी समय आने पर राशि का भुगतान नहीं किया गया। आरोपियों द्वारा कंपनी में निवेशकों से हजारों रुपए मासिक, तिमाही, छमाही, वार्षिक जमा करवाकर जमा राशि को 5 वर्ष में दोगुनी राशि या राशि के एवज में भूखंड देने का प्रलोभन देकर 7 से 8 करोड़ रुपए की ठगी करने के मामले में चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर संजय वर्मा और शेयर होल्डर प्रवीण पटेल को इंदौर और अलवर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। देश में आरोपियों पर लगभग 100 मामले दर्ज हैं, जिसकी सघनता से जांच की जा रही है। दीघ में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के अंतर्गत नेहरू पार्क में चुनाव अधिकारी शेर सिंह लोहारिया ने मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली का उद्देश्य 100% मतदान के लिए लोगों को जागरूक करना है। इस दौरान निजी विद्यालय के 1500 छात्र छात्राओं ने रैली में हिस्सा लिया। छात्र छात्राओं के हाथों में बैनर लेकर मतदाताओं को 100% मतदान करने को लेकर रैली निकालकर संदेश दिया। शेर सिंह लोहारिया ने छात्र छात्राओं से कहा कि परिसंवाद के रूप में मतदाता कार्यक्रम की समीक्षा की और भय मुक्त वातावरण के बिना प्रलोभन के ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की बात कही। जागरूकता अभियान के दौरान शहर के सभी निजी विद्यालयों के बच्चों के द्वारा पूरे शहर के मुख्य मार्गों पे मतदाता जागरूकता रैली निकाली जा रही है। सभी प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ कम से कम 1500 की संख्या में बच्चे हैं। सभी बच्चों को आज अनुशासित रहते हुए मतदाता जागरूकता रैली निकालने के लिए इनको प्रेरित किया गया है और मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से बच्चे और पूरा शहर इस अभियान में भाग ले रहा है, इस बार हम बहुत अच्छी मात्रा में, अच्छे प्रतिशत में मतदान करा पाएंगे। समदड़ी जहां विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां अपने प्रत्याशियों पर मंथन कर रही है, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार तीसरे मोर्चे ने अपनी कमान संभालते हुए चुनाव प्रचार तेजी से करना शुरू कर दिया है। निर्दलीय उम्मीदवार प्रत्येक कस्बे थाने में पहुंचकर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं। वहीं श्रीयादि मंदिर में आज सिवाना विधानसभा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जबराराम प्रजापत ने कार्यकर्ताओं और आम जनता की बैठक ली। बैठक में उन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की उपलब्धियां गिनाते हुए आम जन को फायदा पहुंचाने वाली पार्टी बताया। वहीं आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की बात कही। आगामी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों की जिम्मेदारी, हिस्सेदारी और भागीदारी के मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्राह्मण युवा पंचायत की आयोजन 29 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम मानसरोवर स्थित ओशियन पैलेस मैरिज गार्डन में किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 151 सदस्यों ने आयोजन समिति बनाई है। वहीं 21 सदस्यीय संरक्षण मंडल का गठन किया गया है, जो वार्ड स्तर पर घर घर जाकर चावल बांटेंगे और पंचायत का न्योता देंगे। कार्यक्रम में 100% मतदान करने के लिए मुहिम चलाई जाएगी। कार्यक्रम में वर्तमान परिदृश्य में ब्राह्मणों को सभी राजनीतिक दलों द्वारा उचित सम्मान और समुचित राजनीति हिस्सेदारी मिल सके, इसके लिए पंचायत में गंभीर चिंतन और मनन किया जाएगा। साथ ही आयोजकों ने दावा किया कि राजस्थान में 67 विधानसभा क्षेत्रों में ब्राह्मण हार जीत तय करते हैं। वहीं 45 सीटों पर ब्राह्मण बहुतायात में है, इसलिए 45 से 50 ब्राह्मणों को विधानसभा तक पहुंचाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। आगामी 28 अक्टूबर को सर ब्राह्मण महासभा युवा प्रकोष्ठ द्वारा मानसरोवर में ब्राह्मण युवा पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के बदलते परिवेश में
इस बार ब्राह्मणों के जो युवा हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और साथ ही ब्राह्मण समाज की क्या भूमिका रहेगी इसके ऊपर राजनीतिक और सामाजिक रूप से चिंतन और मनन किया जाएगा और उसके बाद में हम ठोस निर्णय लेंगे कि इस बार ब्राह्मणों को क्या चाहिए और राजनीतिक पार्टियों से हम और ज्यादा से ज्यादा क्या चीज ले सकते हैं। साथ ही ब्राह्मणों के मान सम्मान की जो लड़ाई है उसको भी हम बनाए रखेंगे और जैसा कि कहा जाता है कि ब्राह्मण मतदान करने नहीं जाते तो इस बार पूरे राजस्थान में एक अलग मुहिम चलाई जाएगी और ब्राह्मण परिवारों में जा जाकर हम लोग ब्राह्मणों को 100% मतदान करने के लिए भी जागरूक करेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज। नमस्कार।